हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल भावना किचन में फिर से स्वागत है आपका एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे देसी काचरी की सब्जी। तो ये हमारे राजस्थानी शेखावटी के अंदर देसी काचरी बहुत ही इस समय फसल के अंदर इसकी पैदावार होती है। तो इसको हम ऊपर से अच्छी तरह से छील लिया है और इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसके अंदर बीज है जो ये मीठे हैं तो इसको हमने नहीं निकाला है। और थोड़ी चूल्हे की फली लेंगे जिसके अंदर से हमने दाने निकाल लिए सीड से। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर पतीला रख दिया है, और पतीले के अंदर 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, क्योंकि जितना ऑयल को हम अच्छे से गर्म करके सब्जी बनाते हैं उतना टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अंदर हमने चुटकी भर थोड़ी हींग डाल दी है जिससे सब्जी का टेस्ट और अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं, इसको थोड़ा गोल्ड ब्राउन कलर होने तक। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी दालचीनी जिससे सब्जी और ही सब्जी का स्वाद टेस्ट अच्छा आएगा। और ये देखिए थोड़ी ये तेल के अंदर, तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है, देखो ये कैसे कर रही है, झटकने लगी है। और अब इसके अंदर डाल दिया हमने तेज पत्ता, और इससे सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और थोड़ा तड़के के लिए जीरा डाल दिया है। अब इन सभी को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं, और ये सब्जी बहुत ही अच्छी लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होगी। वीडियो को स्किप न करें, अंत तक ज़रूर देखें। इस समय ये देसी गाजरे की सब्जी बहुत ही अच्छी टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, और जो दो देसी गाजरे की सब्जी है और अच्छी लगती है, इसको आप रोटी पूरी परांठे के साथ भी खा सकते हैं, ये 2-3 दिन तक भी खा सकते हैं इसको। और जो काचरी कटी हुई काचरी और जो सीड्स हैं चूल्हे के, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये अगर बाजरे की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। इसमें आप ज़रूर खाएं ऐसी सब्जी बनाकर। अब इसको हम थोड़ा चम्मच से चला लेते हैं ताकि ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए चम्मच से थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ऑयल के अंदर, ऑयल भी हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और चम्मच से थोड़ा इसको चला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देसी काजू की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, इसको आप अवश्य बनाएं इस समय। और इसके अंदर हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और चम्मच से इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर देसी काचरी और चूल्हे की फली की सब्ज़ी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है सब्ज़ी का, और आप 2 की जगह 4 रोटी भी खा सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, देखो बल्ब आने लगे हैं। और आप ग्रेवी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं सब्ज़ी के अंदर, बहुत ही अच्छी मसालेदार सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को से दबाएं ताकि समय पर आपको इसकी जानकारी मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए बहुत ही अच्छी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार होगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से उबाल आ जाए। ये देखिए कवर को हटा के देखते हैं, सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी चटपटी जायकेदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये देखियो इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, बहुत ही सूखी सूखी सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे छोटे बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने किचन के अंदर और ऐसी सब्जी बनाकर खाएं, तो आप बार बार सब्जी बनाकर खाओगे। ये देखिए अब इसको हम एक अलग बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं, सर्विंग प्लेट के अंदर। इसको आप रोटी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हुई है, सब्जी के अंदर अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी हेल्थी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।